But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. अस्सलामु अलैकुम। तो अपना जो व्लॉग है सेकंड वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अब मैं बताऊँगी कि सैलून जब बुक करने गई थी तो मुझे क्या फ़ेस करना पड़ा। मैं अलियोर गई हूँ, ये अलियोर सैलून है। इसकी इंस्टा पे बहुत खूबसूरत तस्वीरें लगी होती हैं ब्राइड्स की, तो मैंने सोचा विज़िट करती हूँ। वहाँ पर एक लाइव ब्राइड बैठी हुई थी एंड बिलीव मी, अगर आप वो देखते तो आप कहते कि किसी गली मोहल्ले की लोकल सैलून वाली भी उससे अच्छा मेकअप कर सकती हैं जैसा वो बुरा मेकअप था। मुझे उनका बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो मैं वहाँ से आकर फिर मैंने पटोला विज़िट किया। पटोला की मैंने बहुत तारीफ़ सुनी हुई थी, आप लोगों से भी काफ़ी सजेशंस मुझे मिली हुई थी, तो मैंने वहाँ पर जाकर विज़िट किया। और वैसे भी उनकी मैंने ब्राइड्स जो है वो पर्सनली भी एक आध देखी हुई थी, तो मुझे थोड़ा था बिलीव कि अच्छा कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने अपनी बुकिंग करवाई है बारात की और मेहंदी की, और मैं आ गई क्योंकि जो वलीमे की बुकिंग थी वो जुगनूस पे हुई हुई थी, वो इन लॉस की तरफ से थी। अब ये हुआ कि शादी की शॉपिंग के दरमियान ही बिल्कुल लास्ट डेज़ में ही मेरी जो सिस्टर थी उनके बेबीज़ माशाल्लाह हुए ट्विंस, तो उनके लिए शॉपिंग करनी थी मेके की तरफ से जो प्रेजेंट्स होते हैं, तो वो हम लोग लेने चले गए। बहुत सारी शॉपिंग में एक मज़ीद शॉपिंग का जो चीज़ थी वो मतलब ऐड हो गई। तो खैर हम बच्चों के लिए यहाँ पे चीज़ें देख रहे थे, ये चेज वैल्यू पे बहुत प्यारी चीज़ें थी, न्यू ओपन हुआ था, इसको 3-4 डेज़ हुए थे, तो विज़िट करने में वहाँ पे गई और ट्रस्ट में मुझे वहाँ पे ये चीज़ें अच्छी लगी बच्चों की। और ये बेडिंग सेट और बेडिंग जो इनकी क्या कहते हैं लॉज होता है, ये काफ़ी अच्छा था। बाकी यहाँ पर ये मैं एक दफ़ा कैमरा अराउंड कर रही हूँ ताकि आप भी देख सको, अगर किसी को कोई चीज़ चाहिए तो यहाँ फैसलाबाद में है चीज़ वैल्यू, आप वहाँ पे विज़िट कर सकते हो। तो मुझे दो अच्छे लगे थे, कि ब्राउन वाला और एक जो मैंने अभी झूला भेजा है वो वाला, उसके अलावा जो बैग पे पड़ा हुआ है ना वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। लेकिन उसका मसला ये था कि वो थोड़ा बड़ा था, तो मैं छोटा लेना चाह रही थी, तो ये वाला मैंने निकलवाया। लेकिन इसमें एक ये प्रॉब्लम थी, इसकी बैग का जो व्हील था वो टूटा हुआ था और वो कह रहे थे फ़िक्स होने में अभी इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो फिर ये वाला हमने कैंसिल किया और इसे ही बुक किया। ऐसे इसके यहाँ पे स्पेस भी काफ़ी है, स्पेशियस है, आप बच्चों की चीज़ें रख सकते हो, पैम्पर्स रख सकते हो, और काफ़ी अच्छी इसकी क्वालिटी भी थी। ये डन किया, उसके अलावा दूसरा झूला डन किया और छोटी मोटी और जो चीज़ें लेनी थी और जो बाकी गोल्ड का कुछ लेना था तो वो लिया। एनी वेज यहाँ पर मैं इनसे लगवा कर देख रही थी, पूछ रही थी कि सेट किस तरह से होना है, एक दफ़ा मुझे बता दें ताकि मैनेज करूँ जाके, क्योंकि मैंने पहले तो कभी भी नहीं इस तरह से बेड सेट्स किए। और ये झूला है, ये भी बहुत क्यूट छोटा सा। और इसके आगे मैं आपको दिखाती हूँ जहाँ से मैंने अपना फ़र्स्ट वाला व्लॉग छोड़ा था, लहंगा, वो मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि उस लहंगे के साथ क्या हुआ। जब मैंने पहन कर देखा तो वो मुझे एक तो लंबा था, दूसरा मुझे वेस्ट से भी बहुत ज़्यादा लूज़ था, तो फिर वो भी मैंने दिया था चेंज कह रही हूँ उसको अल्टर करवाने के लिए। बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे ये सब काम चल रहे थे और मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी थी शॉपिंग करके, चीज़ें लेकर मैंने ग्रॉसरी कह रही हूँ क्रॉकरी शॉपिंग करनी थी, बाकी चीज़ें बेडिंग का करना था, सारी अपनी जो मेरी शादी की शॉपिंग है उसमें मैंने खुद गई हूँ। कोई भी ऐसा एक भी दिन नहीं था जिसमें मैं शादी की शॉपिंग में ना गई हूँ, घर में रेस्ट कर रही हूँ। तो खैर मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, और लेकिन मैं आप सबको यही सजेस्ट करूँगी जो ब्राइड्स टू बी हैं ना, तो वो रेस्ट किया करें, आपका फेस उतना ही फ्रेश लगेगा जितना आप शॉपिंग्स पे जाओगे, जितना आप घूमो फिरोगे आपको उतना ही ज़्यादा आपके फेस पे टायर्डनेस होगी। खैर एनीवेज़ यहाँ पे मैं अनाया की पिक्चर वीडियो जो है थोड़ी सी लगा रही हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी भांजी है और ट्विंस हुए थे बेटा बेटी। अच्छा उसके अलावा जब आप ही की तरफ हम लोग हो आए हैं, सब कुछ दे दिया दिला दिया, मतलब जो होता है नोम्स होते हैं,
फिर अब मेरी शॉपिंग जो थी दोबारा से स्टार्ट होगी। जो आपने लास्ट व्लॉग देखा होगा, मैं दुपट्टे देने गई हुई थी बनने के लिए, अब दुपट्टे बनकर आ चुके थे। अब जो लास्ट में सिर्फ एक चीज़ रह गई थी वो थी मायों का जो ड्रेस मेरा बनना जो रह गया था, वो मैंने जल्दी से टेलर से लिया और फिर जो है उसको लेस लगवानी थी, दुपट्टे पर लगवानी थी, शर्ट पर लगवानी थी, तो वो मैंने जो है वो चीज़ मैनेज की। अच्छा, जब भी आप लोगों ने किरण लेनी है तो आपने इंडियन किरण लेके लगवानी है। जो आम दूसरी किरण होती है ना वो बहुत पतली सी होती है, ये वाली जो किरण है बहुत खूबसूरत लगती है दुपट्टे पे लगी हुई। ये मेरे माइयों का जोड़ा था, तो खैर मैं ये आगे वाले जो ब्लॉग्स हैं उसमें दिखाऊंगी। अब मैं एक क्लिप ऐड करने लगी हूँ जहाँ पर जब मैं बानो मार्केट गई थी अपना लहंगा ड्रॉप करने, ऑल्टर करने के लिए, तो वहाँ पे एक उस साइड पे झंग बाज़ार वाली साइड पे एनिमल्स की मार्केट है, तो मैं स्पेशली उस साइड पे गई हूँ ताकि मैं वीडियो बना सकूँ। और स्मेल वहाँ पे बहुत ठीक है, लेकिन वीडियो बनाने के लिए मुझे वहाँ जाना पड़ा, तो मैं ये सब जो शूट कर रही हूँ ये जस्ट बिकॉज ऑफ वीडियो के पर्पज़ के लिए है और कुछ भी नहीं। ये सारी ही परिंदों की मार्केट है यहाँ पे, आपको पीकॉक्स भी मिल जाते हैं, बाकी हर तरह के पिजन्स, पैरट्स, कैट्स, डॉग्स नहीं है, जस्ट मार्केट में मिल जाते हैं। फिशेस भी थी वहाँ पर, जैसे ओके खैर इतनी सी इसकी वीडियो जिस बनानी थी, इतना दूर मैं गई। उसके बाद अब मेरी जो सैलॉन की सर्विसेज स्टार्ट हो रही हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने अपनी जितनी सर्विसेज थी सिर्फ हेयर डाई को छोड़कर, बाकी मैंने हदीका कियानी से ली थी सैलॉन से, इनका काम बहुत अच्छा है, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। अगर आप करवाना चाहते हो तो आप अपनी सर्विसेज इनसे लें। इनकी फैसलाबाद में दो ब्रांचेज हैं, एक सिविल लाइन्स पे, एक है यहाँ पे सिल्वर स्पून के जो अपोजिट बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे तारिक क्लिनिक भी है डॉक्टर की, उसके पास ही आपको मिल जाएगा इफ़ यू हैव नो आइडिया कि कहाँ पे है ये। तो खैर हदीका कियानी का फेशियल्स भी बहुत अच्छे हैं, मैनी पैडीज भी बहुत अच्छे हैं। ये मेरी एक छोटी सी फ्रेंड बन गई थी, मैं जब वेट कर रही थी वहाँ पे। इसके बाद हम लोग गए, मैं ऊपर गई हूँ फेशियल के लिए। इनका बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, बहुत सूदिंग इन्वायरमेंट है, बहुत अच्छे तरीके से आपको डील करते हैं। खैर मैंने अपनी सर्विसेज यहाँ से ली थी, कितने फेशियल्स लिए थे, क्या कुछ लिया था, ये मैं आगे जाकर आपको फिर डिटेल में बताऊंगी। इनका मैनी पैडी भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे मैं वेट कर रही थी, आईब्रोज बनवाने थे, उसके बाद मैंने मैनी पैडी लेना था, लेकिन मेरा फ़ोन बिल्कुल डेड हो चुका था तो मैंने वो फिर बंद कर दिया, मैं बना नहीं पाई। तो लास्ट ब्लॉग जहाँ पर मैंने छोड़ा था वहाँ से स्टार्ट करती हूँ, यहाँ से कि मैं आपको लहंगा दिखाऊंगी कि मेरा जो लहंगा था वो बनकर आ चुका था। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत था, लाइव तो बहुत ही प्यारा था। अभी बिकॉज़ लाइट थोड़ी सी कम है शायद तो मैं प्रॉपरली दिखा नहीं पा रही। अब मैं आपको अपना लहंगा दिखाती हूँ, मैंने हॉट पिंक में बनवाया था, मुझे मरून रेड ये बिल्कुल नहीं बनवाना था क्योंकि बहुत कॉमन हो गए थे, मैं चाहती थी समथिंग डिफरेंट। तो ये है मेरा लहंगा, ये कैन कैंस की वजह से थोड़ा सा बाउंसी है, बाकी इसका फ्रंट सारा हैवी था, बैक पे मैंने जस्ट स्प्रे करवाया था और बॉर्डर बना हुआ था, उसके अलावा काम नहीं था। ये देखें मुझे बहुत अपना लहंगा प्यारा लगा, इसकी कुर्ती भी फुल काम वाली थी, दुपट्टा इतना ज़्यादा काम वाला नहीं बनवाया बिकॉज फिर कैरी करना मुश्किल होता है। मैं आपको ये इसकी शर्ट निकाल के दिखाती हूँ, ये जनाब इसकी शर्ट है। शर्ट मुझे बिल्कुल ठीक थी, दुपट्टा जो था उसके नीचे फ्रिल लगवानी थी, मैंने कहा था, किरण भी कहा था, लेकिन उन्होंने नहीं लगवाई। मैंने दुपट्टा और लहंगा दोबारा से अब देने जा रही थी बुटीक में ताकि मेरा ये दो दिन के अंदर ये ऑर्डर करके मुझे दे दें, बिकॉज़ शादी में सिर्फ चार दिन रह गए थे और मेरा लहंगा अभी तक भी बिल्कुल भी जैसे कहते हैं ना कि लूज़ भी बहुत था, लंबा भी बहुत था, तो मुझे उसको ठीक करवाना था। तो मैं अंकल के अब ये देखिए यहाँ पर मैं बुटीक में आई हूँ, समझा रही थी कि अंकल इसको ठीक करें, जैसे फ्रिल नीचे लगाई है दुपट्टे के फोर साइड्स पे, फोर नहीं थ्री साइड्स पे आपने फ्रिल लगानी है, तब मुझे टू डेज़ के अंदर देना है। और ये देखिए यहाँ पर जो सेफ्टी पिन्स लगी हैं, मैं उनको बता रही थी मज़ीद हुक्स लगाएँ क्योंकि मुझे ये लूज़ है, शादी का करके मैंने एक्सरसाइज भी की थी, मैं और मज़ीद पतली हुई हुई थी। खैर यहाँ पे झाल पे इसलिए भी फ्रेंड्स पे मैं गई हूँ, मुझे था कि मैंने खुद बनाना है अपना निकाह का पेन, वो ज़्यादा एक्साइटिंग होगा, ज़्यादा प्यारा होगा, मैंने कहीं से ऑर्डर नहीं करना, तो मैं इसलिए भी फ्रेंड्स गई हूँ। मैंने फेदर्स लिए, मैंने पेन्स लिए, मैंने इस तरह की ये फॉइल ली,
लेकिन घर जाकर जब मैंने बनाया बहुत मेहनत करके और मुझसे बन ही नहीं रहा था, एक तो मैं थकी बहुत हुई थी, प्रेशर बहुत था, तो मैं बना ही नहीं पाई। फिर लास्ट मोमेंट पे मुझे बाय करना पड़ा, परचेज करने पड़े थे, ये तो मैं बिला वजह अपने आप को मैंने थकाया है। खैर, इस ब्लॉग में मैंने ये बस छोटी सी चीज़ें ऐड की हैं, बाकी माइयों का और मज़ीद आगे जो फेस रिवील का है वो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं दिखाऊंगी, इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी। और तब तक के लिए डू सब्सक्राइब टू माय चैनल और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा, मेंशन कर